नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में ओप्पो सोम जी सिर्फ के बारे में। जानेंगे क्या होती है, क्यों दी जाती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, कहाँ नहीं देनी, कितने बड़े बच्चे को कितनी दी जाती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, ओप्पो एक ब्रांड है हेटरो कंपनी का। इसको चाइल्ड एसोसिएशन डॉक्टर छोटे बच्चों में प्रिस्क्राइब करती है। कभी भी इस दवा का सेल्फ यूज नहीं करना है, ठीक है। लगभग हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाती है। 50 mg में भी आती है और 100 mg में भी आती है। छोटे बच्चों की बात करूं तो दोस्तों, अगर वो बच्चा 1 साल से लेके 4 से 5 साल तक का है तो वहां डॉक्टर दे सकते हैं। बच्चे का बॉडी वेट ज्यादा है तो उसके हिसाब से डोज भी ज्यादा ही होती है। डोज और ड्यूरेशन 3 दिन 5 दिन 7 दिन ज्यादा लंबी नहीं चलती, शॉर्ट टर्म ही दी जाती है। ये सब कुछ डॉक्टर ही बता देते हैं कितना देना है, कितने दिन तक देना है। इस मामले में भी सेल्फ यूज मत कीजिएगा। बात करते हैं भाई क्यों दी जाती है। तो देखिए, इसके अंदर आता है सेफ्रोडोक्सिम 100 mg। सेफ्रोडोक्सिम एक थर्ड जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक होता है। जब बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां ये पिलाने की सिरप आती है, डॉक्टर देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही देते हैं। फ्लू है, वायरल है, वहां ये काम नहीं करती, वहां नहीं देनी चाहिए। बात करते हैं भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, चेस्ट में यानी लंग्स में इन्फेक्शन होना, कब बनना, बच्चे के न्यूमोनिया बनना तो दी जाती है, ठीक है। न्यूमोनिया वायरल इन्फेक्शन में भी होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है तो दे सकते हैं। या दोस्तों, खांसी आना बहुत ज्यादा, कब बनना या बुखार आना तो दे सकते हैं। बच्चे के आंत में कोई इन्फेक्शन है, वोमिटिंग कर रहा है, दस्त लग रहे हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। या यूरिन इन्फेक्शन है बच्चे को, वहां पर भी दी जाती है। इसके साथ साथ टॉन्सिलाइट गले का इन्फेक्शन होना, आंख से पानी आना, कान का इन्फेक्शन होना या कोई स्किन इन्फेक्शन होना, वहां पर भी दे सकते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो दे सकते हैं। बात करते हैं मॉडरेशन के बारे में। तो देखिए, ये एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरिया किलर होती है, बैक्टीरिया खत्म करती है। साथ ही साथ कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को लगातार बढ़ाते हैं, जिससे उनको वो एंजाइम्स बनना मिलना बंद हो जाता है तो बैक्टीरिया भी स्लो पड़ जाते हैं और उनकी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कुछ प्रोटीन कुछ एंजाइम्स को बनने से रोकता है। बात करते हैं डोज के बारे में। तो देखिए, 100 mg की डोज की बात करूं, 2 साल से बड़ा बच्चा है वहां पर 5-5 ml 2 बार दी जाती है। 1 साल से लेकर 2 से या 2.5 साल तक का बच्चा आसपास है तो 2.5 ml 2 बार दी जाती है। दोस्तों, डोज अलग भी हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बॉडी वेट कैलकुलेट किया जाता है। बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, वैसे तो इसके नहीं होते, लेकिन कभी कभार देखे गए हैं कि बच्चे के चेहरे पर सूजन आ सकती है, ठीक है, दस्त लग सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है। इनके अलावा भी और भी साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं। सावधानी यही है, डॉक्टर की सलाह लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। देने के बाद भी अगर बच्चे को आराम नहीं मिले, 2-3 दिन हो जाए, तो इस पर डिपेंड नहीं रहना है, एक बार फिर से डॉक्टर को जरूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।